अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, ये देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक चार्ट है और यहाँ पर हमारे पास जो मंथ की सेल की वैल्यू है वो चार्ट में प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट का बटन है। जैसे ही मैं हाईएस्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो जो हमारी हाईएस्ट सेल है वो जो बार है वो हमारे पास ग्रीन हो गई है। अगर हम लोएस्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो लोएस्ट सेल है वो रेड हो गई है। तो किस तरह हम अपने ये इंटरेक्टिव से बटन को क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट के साथ उसको लिंक कर सकते हैं, आज के इस लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सिंपल सा ये देखें यहाँ पर डाटा ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने तीन स्पोर्टिंग कॉलम लेने हैं। सबसे पहले हमारे पास रैंक का कॉलम होगा। यहाँ पर हम फंक्शन लगाएंगे रैंक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये नंबर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सारी की सारी रेंज लेंगे। F4 की प्रेस करके मैं अपनी इस रेंज को जो है वो एब्सोल्यूट बना लूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। अब हम यहां से लेके यहां तक इसको ड्रैग कर लेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो 1 होगी, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी वो 12 रैंक पे आ जाएगी। इसके बाद हमें दो स्पोर्टिंग कॉलम्स चाहिए तो मैं इसका नेम लिख लेता हूँ स्पोर्टिंग कॉलम 1 और ये हमारा स्पोर्टिंग कॉलम 2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, हमें ये सेल स्पोर्टिंग के लिए चाहिए बटन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। यहाँ पर हम वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे, जो टॉप वाली वैल्यू है। आपने डेवलपर के टैब में जाना है, अगर आपके पास डेवलपर का टैब शो नहीं हो रहा तो आप फाइल पे क्लिक करें, यहाँ से ऑप्शन में जाएं। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपके पास कस्टमाइज रिबन होगा, यहाँ से देखें यहाँ पर डेवलपर के टैब है। यहाँ पर चेक लगाएंगे तो डेवलपर का टैब शो होगा, अनचेक करेंगे तो डेवलपर का टैब हाइड हो जाएगा। मैं चेक लगा के ओके करता हूँ तो डेवलपर का टैब शो हो गया। यहाँ पर आपने इंसर्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर ये देखें एक बॉक्स है चेक बॉक्स, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आपने इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर लेना है। यहाँ पर आपने लिख लेना है खुद से हाईएस्ट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HIGHEST हाईएस्ट में लिख लिया। अब इसी को यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और इसकी कॉपी ले लेते हैं इस बॉक्स की। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, इसको Ctrl-C Ctrl-V करके इसकी कॉपी ले लेता हूँ। इसको हम कह देते हैं जी ये हमारा लोएस्ट वाला इंटरेक्टिव बटन है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ LOWEST लोएस्ट, तो ये हमारा लोएस्ट वाला बटन हो गया। अब हमने अपने इन दोनों बटन्स को लिंक करना है स्पोर्टिंग सेल्स के साथ। हाईएस्ट पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं हमारे पास फॉर्मेट कंट्रोल है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेल लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर इस कॉलम में हमने हाईएस्ट वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया, ओके किया। अब देखें जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ट्रू लिखा आ रहा है, अगर इसको अनचेक करता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स लिखा आ रहा है। इसी तरह हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल पर क्लिक करेंगे, सेल लिंक में जाएंगे, यहाँ पर हम ये सेल सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब हमारे पास दोनों इंटरेक्टिव बटन क्रिएट हो गए हैं। देखें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर ट्रूज एंड फॉल्स आ रहा है। अब आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पर हमने कंडीशनल फंक्शन यूज करना है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर हम एंड कंडीशन को यूज करेंगे। अगर तो ये जो सेल है इक्वल टू हो, इसको मैं F4 करके लॉक कर देता हूँ, अगर ये सेल इक्वल टू हो ट्रू के, और दूसरी हम कंडीशन ये दे रहे हैं कि ये जो सेल है ये इक्वल टू हो 1 के, देन क्या हो, देन ये वैल्यू प्रिंट हो जाए, अदरवाइज हमारा जो सेल है वो एम्प्टी रहे। देखिए मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया एंड हमने एक बार फिर ब्रैकेट को क्लोज किया, यहां तक हमारी ये कंडीशन मीट हो रही थी। यहां पर हमने एक ब्रैकेट क्लोज करनी थी, एक लास्ट भी करनी थी। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह बनेगा, ये हमने बना के इसको राइट एंटर कर दिया, इसको हम यहां से ड्रैग करके लास्ट तक लेके आएंगे और अभी हमारे पास देखें वैल्यू कोई भी प्रिंट नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे फॉल्स है। जैसे ही मैं हाईएस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा तो जो 1 के बिल्कुल सामने वैल्यू है, जो सबसे हाईएस्ट है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। दोबारा क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, दोबारा से यहाँ पे वही फंक्शन यूज करेंगे। अगर तो ये जो हमारे पास सेल है, F4 करके मैंने सेल की लोकेशन को लॉक किया, अगर यहाँ पर ट्रू लिखा आए एंड अनदर कंडीशन जो है वो ये है कि ये जो सेल है इसमें 12 भी लिखा हो, देन क्या हो, देन हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट हो जाए, अदरवाइज हमारा सेल एम्प्टी रहे। ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, एंटर किया, यहां से इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ पर 12 के 12 सेल्स तक इसको ड्रैग कर देंगे। देखिए अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, यहाँ पे इस बटन को भी यहाँ से थोड़ा सा मूव कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ पर क्लिक करके चार्ट में इंसर्ट में से एक सिंपल सा चार्ट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू है इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं, ये जो वैल्यूज है राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस पे जाएंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास एक्सिस ऑप्शन है। नंबर्स में से हम इसकी फॉर्मेटिंग तो चेंज कर देंगे, 0, (K)(). जैसे मैं ऐड करूंगा तो हमारी ये जो वैल्यू है वो 1000 में हो जाएगी। नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, ये वैल्यू जो हमारे पास डाटा बार है राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाना है, तो इसका गैप हम कम कर देंगे, थोड़ा सा साइज का एक्सटेंड हो जाएगा, तो मैंने इसका साइज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया।
अब इसका आप कलर भी चेंज करना चाहें तो यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, हम ये कलर ले लेते हैं, यहाँ पर आउटलाइन इसकी हम ब्लैक ले लेते हैं। तो देखें यहाँ तक हमारे पास जो चार्ट है वो क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट हमने काम क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, सिलेक्शन डेटा में जाना है, सिलेक्शन डेटा में हम एक और एड सीरीज कर देंगे और इस सीरीज का हम नेम रख देते हैं जी, ये हमने सीरीज सेलेक्ट की और इसका हम नेम रख देते हैं, हाईएस्ट रख देते हैं इसका नेम, या फिर एच ही हम इसको रहने देते हैं। ओके करते हैं, एक बार फिर ओके करते हैं। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इस सेल को सिलेक्ट, इस डेटा बार को सिलेक्ट करना है, इसका कलर आपने ग्रीन कर देना है। तो इसका कलर मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ, आउटलाइन इसकी मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब आपने दोबारा राइट क्लिक करना है, यहाँ पर किसी भी एक बार पर क्लिक करें, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएं, तो जो ओवरलैप है इसको आपने कम कर देना है। मैं इसको ओवरलैप जो है इसको कम कर देता हूँ, तो इसको कम्प्लीटली कम कर देते हैं ताकि जो ओवरलैप है वो हमारा जो बाद में बनाएगी डेटा बार है वो पहले से मौजूद डेटा बार को ओवरलैप कर ले। तो देखें ये ओवरलैप कर लिया डेटा बार ने इसको। अब हमने जो टॉप वाली वैल्यू है उसको तो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लिया, सेम इसी तरह हमने सिलेक्शन में जाना है, ऐड सीरीज करना है। यहाँ पर अब हमने लेनी है जो हमारी लोएस्ट सीरीज है उसको ले लेना है। यहाँ पर इसको हम एल इसके लिए शो करवा देते हैं, लोएस्ट के लिए ओके करेंगे एंड फिर एक बार ओके करेंगे। तो देखें ये हमारी वैल्यू लोएस्ट है, इसका हमने यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद कलर कर देना है रेड, आउटलाइन इसकी ब्लैक कर देते हैं। अब देखें जैसे ही कोई और वैल्यू यहाँ पर लोएस्ट होगी तो जो हमारे पास लोएस्ट रेंज है वो चेंज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू काफी कम कर दी है इसलिए यहाँ पर ये हमें शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास 55527 था, तो यहाँ पर हम 54322 करके एंटर कर देते हैं। तो देखें अब ये वैल्यू हमारे पास जो है वो कम है इसलिए ये हाईलाइट हो रही है। तो अब आपने क्या करना है, देखें अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर प्लस के बटन पर हम क्लिक करके ऐड डाटा लेबल्स शो करवा लेंगे। तो डाटा लेबल्स हमें ये नहीं चाहिए, जीरोज वाले इसको डिलीट कर लेंगे, ये जीरोज वाले भी नहीं चाहिए, इनको भी हम डिलीट कर लेंगे। हमें सिर्फ जस्ट चाहिए थे ये डाटा लेबल्स। आप डाटा लेबल्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डाटा लेबल्स पे जाएं, यहां से जो डाटा लेबल्स हैं इनकी नंबर फॉर्मेटिंग भी हम यहां से करेंगे 0, (double inverted comma) (k, (double inverted comma) तो इसको भी इन 1000 हम कर लेंगे। उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। डाटा लेबल्स का यहां से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, यहां से मैं ये कलर ले लेता हूं, इसकी आउटलाइन ब्लैक ले लेता हूं। तो ये देखें ये क्रिएटिव सा यहाँ पे एक चार्ट हमारे पास डिजाइन हो गया। अब आप यहाँ से इन बटन्स को यहाँ पे लेके आना चाहें तो सिंपल क्या करें, यहाँ पे जाएं, यहाँ से एक शेप को आप इंसर्ट करवाएं, शेप का साइज एडजस्ट कर लें इसके हिसाब से। तो यहाँ पर ये साइज काफी इंट्रैक्टिव लगेगा। इसका मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पर ग्रीन कलर कर देते हैं हम, इसका कंट्रोल डी करके एक डुप्लीकेट लेते हैं। यहाँ पर हम एक और बटन क्रिएट कर देते हैं जी, इसका हम कलर कर देते हैं रेड। तो ये मैंने इसका रेड कलर कर दिया, दोनों मैंने शेप सेलेक्ट की, आउटलाइन हमने ब्लैक कर दी है, चार्ट को हमने सेलेक्ट किया, इसकी जो बॉर्डर आउटलाइन है इसको हमने नो आउटलाइन कर दिया है ताकि हमें ये जो बटन हैं ये चार्ट से बाहर शो ना हो। अब आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, हाईएस्ट वाले बटन को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है, फॉर्मेट में से जाके यहाँ पर आपने ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। इसी तरह आपने राइट क्लिक करना है, उसके बाद दोबारा इस शेप पर क्लिक करके यहाँ पे इसको यहाँ पे मूव करना है और इसको भी ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। हम यहाँ पर फॉर्मेट में से इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक और काम है, जैसे ही मैं यहाँ पर ये रेंज सेलेक्ट करने के बाद इसको हाइड करूंगा तो हमारे पास जो रेड और ग्रीन कलर था वो भी हाइड हो जाएगा। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, सिलेक्शन डाटा में जाना है, यहाँ से हिडन एंड एम्प्टी सेल्स पर क्लिक करना है, शो डाटा हिडन रोज यहाँ पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स को हम चेक लगाएंगे और ओके करेंगे। एक बार फिर मैं यहाँ से ओके करूंगा तो देखिए अब हमारे ये बटन इंटरेक्टिव हो गए हैं। जैसे हम इन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो डाटा बार है उनका कलर भी चेंज होगा।